चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली के बीजेपी के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी करार दिया है। केजरीवाल खुद को अराजक पहले कह चुके हैं, ये बात कही प्रकाश जावड़ेकर ने। अराजक और आतंकवादी में ज्यादा अंतर नहीं होता, ये बात भी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कही। आपको बता दें 8 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और उससे पहले आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी। केजरीवाल की पार्टी शाहीन बाग को समर्थन करती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या समर्थन कर रहे हो आप? आसाम की आजादी, जिन्ना वाली आजादी, भारत तोड़ने के जहां नारे लग रहे हैं, ऐसे नारों के साथ खड़ा रहना भी आतंकवाद ही है। और जेएनयू में देशद्रोही नारे लगे उसके साथ भी खड़े हैं, इसलिए मुकदमे को परमिशन नहीं दे रहे। 26 जनवरी को पहले ही धमकी दी थी कि मैं रोकूंगा। और कितने सबूत चाहिए? केजरीवाल, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि आप झूठों के सरताज हो और आप मूल अराजकवादी हो, आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हो, और इसलिए शाहीनबाग को भी समर्थन करते हैं। वहां जो नारे लग रहे हैं उन नारों का समर्थन कर रहे हैं, जेएनयू के नारों का समर्थन कर रहे हैं, और ऐसे सारे अराजकवादी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं, तो आप आतंकवादी ही हो और यही आपकी पहचान है। दिल्ली आपको आप समझ चुकी है।